हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सही स्टॉप लॉस आप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भरे पड़े हैं जो लोग बताते हैं कि आपको इंडेक्स चार्ट पे लगाना चाहिए, जो कि स्पोर्ट चार्ट पे लगाना चाहिए, प्रीमियम चार्ट के ऊपर लगाना चाहिए, डायरेक्टली निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में आप कैसे लगा सकते हो। तो आज मैं आपको पूरा इसके पीछे का लॉजिक बताऊँगा। और अगर सबसे पहले चीज़ आपको क्या नहीं करना है कि आपको इंडेक्स चार्ट मतलब निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी से इंडेक्स चार्ट भी बोलते हैं, इंडेक्स चार्ट यही होता है, और कोई लोग स्पोर्ट चार्ट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो सिंपल जो स्पोर्ट चार्ट बोल रहे हैं या फिर इंडेक्स चार्ट बोल रहे हैं, सिंपल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे आपको इस तरह का जो रिस्क रिवॉर्ड दिखता है वो आपको क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो एक बार मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूं और आपको अच्छे से एक बार लॉजिक मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ के अनुसार जब भी आप लगाओगे तो आपको कभी भी रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है या फिर रिस्क मैनेजमेंट रहता है वो कभी भी सही नहीं रहेगा। ये चीज़ मैं बहुत मिस्टेक कर चुका हूँ तब मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ। अभी आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि अगर आप लगाते हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड ईजिली कर पाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस तरह से मार्केट चल रहा है। अब मेरा एक प्लान है कि अगर मैं इस तरह का कुछ यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ तो इस तरह से लगा दूंगा। तो ये जो फैंसी जो दिखता है ना रिस्क रिवॉर्ड, वो बहुत ही कूल लगता है, अच्छा लगता है इंडेक्स चार्ट पे। तो कभी भी आपको कूल और फैंसी चीज़ों पे नहीं जाना है, सिंपल आपको सही प्रैक्टिस और सही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इस तरह से जो ये दिखता है तो सिंपल लोग क्या करते हैं कि इस तरह से फॉर एग्जांपल मुझे 20 पॉइंट ले लेते हैं, तो इस तरह से 20 पॉइंट का SL लगा लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो रहा है, तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पॉइंट का SL है और 40 पॉइंट का इस तरह से टारगेट है, ये हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे जो आ रहा है आपका 20 पॉइंट, वो आप एग्जैक्ट जो प्रीमियम में कितना पैसा है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा देखना पड़ेगा, डेल्टा में स्ट्राइक प्राइस में क्या डेल्टा चल रहा है वो देखना पड़ेगा, फिर आपको गुणा करना पड़ेगा। जब तक आप इतना प्रोसेस करोगे तो ऑलरेडी हर बार आप इतने ट्रेड करोगे तो ऑलरेडी आपका जो माइंड है वो थक जाएगा। तो इतना प्रोसेस आप बार बार करोगे तो इससे बेहतर आपको प्रीमियम के चार्ट पे लगाना चाहिए। अब प्रीमियम के चार्ट पे कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके बाद यहाँ तो एक तो ये कन्फ्यूज़न है कि कितना अमाउंट पे लगाएं, क्योंकि सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है 20 पॉइंट। अब 20 पॉइंट एग्जैक्टली उस स्ट्राइक प्राइस में कितना पैसा कम होगा, कितना रुपये कम होगा वो नहीं पता चलेगा, या फिर उसको लोग पता करने के लिए सिंपल डेल्टा वगैरह से कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है। तो उतना बार बार कैलकुलेशन करना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सेम उसी तरह से टारगेट, अब 40 पॉइंट का टारगेट हो तो एग्जैक्टली तो नहीं पता है ना कितना रुपए इतने प्रीमियम में स्पाइक देगा। और एक प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का हमने लगा दिया, अब क्या होता है कि प्रीमियम में स्पाइक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 कैंडल ही बना लेकिन हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है, मतलब कि जितना रुपए हमको चाहिए, मान लें फॉर एग्जांपल मुझे 20 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए, यानी कि जब भी हमारा प्रीमियम में अगर 20 रुपए मूव हो जाए, 20 रुपए बढ़ जाए, जैसे कि हमने 40 रुपए में लिया है और 60 रुपए हो जाए तो मैं बुक कर लूँगा, ऐसा मेरा थॉट है। तो सिंपल अगर यहीं पर भी कोई कैंडल रहेगा तो प्रीमियम क्या है कि 20 रुपए मूव कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि स्पाइक वगैरह आ जाता है। तो ऐसे में आपको लगेगा कि तो टारगेट तो पहुँचा ही नहीं, चलो और वेट करते हैं, आप और वेट करोगे और मार्केट आ जाएगा नीचे। तो ये तो टारगेट का कंडीशन हो गया। अब स्टॉप लॉस के कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली मेरे साथ कई बार हो चुका है। क्या होता है, सिंपल सा यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया, अब यहीं पे अगर मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट हो जाएगा तो प्रीमियम में क्या होगा पता है, प्रीमियम में अगर यहाँ पे अगर चल रहा है प्रीमियम का चार्ट तो ऑलरेडी ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, मतलब कि 4-5 रुपये ऑलरेडी ये डाउन में ही कंसोलिडेट कर रहा है। फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो ये और भी नीचे आ जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो कि आप तो इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं नहीं यहाँ पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, या फिर आपने कैलकुलेट वगैरह आप करोगे तो वैसे भी आप परेशान रहोगे, तो आपका जो प्रीमियम है वो इतना डाउन आ जाएगा प्रीमियम में, लेकिन आपका स्पोर्ट चार्ट में यहाँ तक आया नहीं है। तो इससे लॉस आपका ज़्यादा होगा। जब आप बुक करने जाओगे तो देखोगे अरे प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, लॉस आप यहाँ पर सोचोगे कि नहीं अगर 10 रुपये लॉस होगा अगर तो यहाँ पे आप बुक करते करते आपका 20 रुपये हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेट होके पहले ही आपका SL से पार हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम चार्ट पे सीधा अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाओगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आपको इंडेक्स चार्ट पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए,
कि इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड लगा लिया, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे स्पोर्ट चार्ट पे इंडेक्स चार्ट पे आएगा तो मैं निकलूँगा, ये गलती आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यहीं पे भी अगर कंसोलिडेट हो गया तो भी अगर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्रीमियम चार्ट, जब तक ये स्पोर्ट चार्ट में नीचे आएगा तब तक तो प्रीमियम चार्ट और भी नीचे आ चुका होगा। तो ये मिस्टेक कभी मत करना अगर आप बिगिनर्स हो तो, कभी भी आपका इस तरह से आप अगर स्टॉप लॉस लगाते हो। यूट्यूब पे कई सारे मैंने चैनल्स देखे हैं जो ये बताते हैं कि यहीं पे इंडेक्स पे अगर यहाँ पे आएगा तो निकलेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत प्रैक्टिस है, ये एक सही प्रोसेस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ सही प्रोसेस, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखें तो बहुत ही पेशेंसली आप वेट किए हैं, तो चलिए मैं आपको सही प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो सिंपल ये देखिए, ऑप्शन चेन मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो इस तरह से ऑप्शन चेन जहाँ पे आपको लेना है इन्ना मनी, ओटीएम, तो ऐड द मनी जो भी लेना है, तो सिंपल चलिए मैं एक कोई भी ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यही मैं ओपन कर लेता हूँ और एक बार मैं इसके चार्ट पे चले जाता हूँ। अभी अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, सीक्रेट ये है कि कभी भी जब भी आप बाय करो तो एक बार प्रीमियम के चार्ट एटलीस्ट देख लिया करो कि प्रीमियम का चार्ट किस तरह का बिहेव कर रहा है, क्या वो बहुत ऊपर से नीचे आ चुका है या फिर बहुत नीचे से ऊपर जा चुका है, क्या आप टॉप पे बाय कर रहे हो या फिर बॉटम पे बाय कर रहे हो या फिर बीच में बाय कर रहे हो, कहाँ पे बाय कर रहे हो एटलीस्ट, तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक किया करो। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आई होप कि जब भी आप बाय करोगे तो डायरेक्टली ऑप्शन चेन खोल के बाय नहीं करोगे, चार्ट को देख के ही बाय करोगे। और ये था सीक्रेट पॉइंट, आप इस सीक्रेट को नोट करके भी रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह से, ये है प्रीमियम का चार्ट, मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो यहाँ पे इस तरह से मैं सिंपल से क्या करूँगा, ये देखिए कहीं पे यहाँ पे मैं इजीली देख सकता हूँ ना, ये फॉर एग्जांपल जब लाइव चलेगा तो यहाँ से तो दिखेगा आराम से कि ये मूव करते हुए, तो मैं यहाँ पे समझ जाऊँगा कि ठीक है, इस तरह का बिहेवियर भी मुझे पता चल गया कि होल्ड कर रहा है, अभी ऊपर जाएगा, तो इस तरह से कुछ बिहेवियर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मुझे जो स्टॉप लॉस है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे सही होगा, ये देखिए, मान लीजिए कि मेरा जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे है 1000 लॉस सहने की, मैं 1000 से लॉस ज़्यादा नहीं कर सकता, तो सिंपल सा मैं कुछ भी हो जाए अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो जो भी मेरे कैपेसिटी मतलब जितना भी लॉट में बाय कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो भी अगर 1000 हो जा रहा है उतना ही पॉइंट का मैं एसएल लगाऊंगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल लेना है, 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं लेना है, एक रूल होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज मैं 50 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, आज मैं 40 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, कल मैं 20 पॉइंट का एसएल, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना। आपको फिक्स स्टॉप लॉस रखना है इसके और इसके बीच के अंतर में, जैसे कि मैं जनरली जो है 25 से 30 पॉइंट के एसएल के बीच में ट्रेड करता हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 25 से 30 पॉइंट के बीच में एसएल लगा दूँगा, वैसे मैं 25 पॉइंट लगाता हूँ तो एक दो पॉइंट बफर के लिए 26-27 पे मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना कितना आसान है और टारगेट लगाना कितना आसान है वो समझिए। यहाँ पे देखिए ईजिली साइड में आपको दिख रहा है 200, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल पोजिशन पर जाऊँगा, एड स्टॉप लॉस पर जाऊँगा, 200 ऐड कर दूंगा, 200.80 सिंपल स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब जब भी अगर मार्केट जो ऊपर जाने लगेगा, अगर मुझे 1:2 चाहिए तो सिंपल मैं 50 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ मिनिमम, तो इस तरह से यहाँ पे जैसे ही आएगा तो इसी चीज़ को मैं ट्रेल कर दूंगा। अब क्या मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ईजिली इस तरह से ये दिख रहा है ग्रीन कलर के 279.20, तो सिंपल जब भी मैं जाऊँगा एसएल को वहाँ से रिमूव करूँगा, एसएल को ही ट्रेल कर दूंगा, तो जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे मैं सिंबल 279 पे दबा के उसको मॉडिफाई करके, तो उसके बाद जैसे यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर को ही मॉडिफाई कर दूंगा, यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करेगा ये वाला प्राइस मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपल सा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर प्राइस आ गया एक बार 284, तो सिंपल यहाँ पर 279.289 डाल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जब नीचे आएगा तो ये हिट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है कभी भी, और इस तरह से आपका क्या होगा कि रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल मेंटेन रहेगा, आपको पता रहेगा कि नहीं इसमें अगर 50 पॉइंट एसएल हिट हो रहा है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अब इंडेक्स चार्ट हो सकता है कि वो आधा दूरी ही जाए और यहाँ पे 50 पॉइंट मिल जाए तो आप तो बेकार में बैठे हो, क्योंकि मुझे 50 पॉइंट चाहिए, अगर मुझे 50 रुपये प्रॉफिट चाहिए, अगर मान लीजिए 50 रुपये प्रीमियम में मूव चाहिए और इंडेक्स चार्ट नहीं गया है लेकिन प्रीमियम चला गया, तो मैं वहाँ पे
कट कर दूंगा, वहाँ पे मुझे रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंडेक्स चार्ट टारगेट दे देता है लेकिन प्रीमियम चार्ट टारगेट नहीं देता, तो भी इस केस में मैं एग्जिट कर दूंगा। मैं ऐसे ही अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ जो कि प्रीमियम के चार्ट को देख के ही लगाता हूँ और प्रीमियम पे ही लगाता हूँ, सो दैट मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी मेंटेन रहता है। मुझे पता रहता है कि अगर मैं 500 रुपये या फिर 1000 रुपये लॉस ले सकता हूँ तो सिंपल सा मैं कितना पॉइंट का लॉस लूँगा डेली, वो मेरा फिक्स रहता है, मैं चेंज नहीं करता हूँ। और यहाँ पे सिंपल सा पता चलता है कि नहीं, अगर मुझे 25 रुपये यहाँ पे SL हिट हो जाएगा तो मैं कट कर दूँगा क्योंकि मेरा उतना ही कैपेसिटी है, उतना ही मैं लॉस ले सकता हूँ। और जनरली आपको 25 से 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में प्रीमियम के चार्ट पे इनफ होता है। अगर आप इतना, मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल से वो काफ़ी बेस्ट है, बाकी अगर आपका फिट नहीं बैठ रहा है तो आप कुछ जो भी आपका फिट बैठ रहा है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको बता दिया, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी आपको बोलते हैं कि इंडेक्स चार्ट के अनुसार आपको स्टॉप लॉस देखना है, बिल्कुल भी इस तरह का प्रैक्टिस कभी भी मत करना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट कभी भी ठीक नहीं रहेगा। वहाँ से यहाँ से आपका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि आपको पता है कि मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना है, इतना टारगेट लेना है। अगर 20 रुपये प्रीमियम में हिट हो गया तो मैं कट कर दूंगा, 50 रुपीज़ या फिर 40 रुपये मुझे टारगेट मिल गया तो मैं कट कर दूंगा। इंडेक्स चार्ट कुछ भी करे, इंडेक्स चार्ट यहाँ पर डीके करके भी स्टॉप लॉस दे देगा तो भी मैं हट जाऊंगा, क्योंकि उसमें तो आपका कोई भी रोल नहीं है। अगर डीके हो गया तो आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन वहीं पे है और ऑलरेडी प्रीमियम चार्ट में आप यहाँ पे नहीं देख रहे हो तो सोचो इंडेक्स चार्ट जब नीचे आ जाएगा तो प्रीमियम कितना ज़्यादा नीचे आएगा। कि आप लोग कभी भी प्रीमियम चार्ट के ऊपर ही बाय सेल करो, और इजीली यहीं से बाय हो जाता है, यहीं से सेल हो जाता है, जैसे कि बाय सेल आपको दिख रहा है तो यहीं से स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ मैनेज कर सकते हो, और ये सबसे अच्छा तरीका है और यही एक प्रैक्टिकल और सही प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।